नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ वंशिका सिंह। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के 12th बोर्ड के रिजल्ट की जो जारी हो चुका है। महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं के स्टूडेंट्स का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ, रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ये कैंडिडेट्स जिन्होंने इस साल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जाम दिया हो, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है mahresult.nic.in। इस साल कुल 93.37% स्टूडेंट्स ने परीक्षा पास की है। वहीं छत्रपति संभाजीनगर के कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ने वाली छात्रा को पूरे 100% मार्क्स मिले हैं। इस साल कुल 13,87,000 विद्यार्थियों ने 12वीं की परीक्षा पास की है। इनमें से 6,582 दिव्यांग विद्यार्थी भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के कुल 9 डिविजन का पासिंग परसेंटेज क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। पहले पुणे, पुणे में 94.44% रहा है। नागपुर में 92.12% रहा है। वहीं छत्रपति संभाजीनगर में 94.08% रहा है। मुंबई में 91.95% रहा है। कोल्हापुर की बात करते हैं तो कोल्हापुर में 94.24% रहा है। अमरावती में वही 93.00% रहा है। नासिक की बात करते हैं तो नासिक में 94.71% रहा है। लातूर में 92.36% रहा है। कोगड़ में 97.51% रहा है। पासिंग परसेंटेज में जेंडर के अनुसार अगर बात करें तो लड़कों की तुलना में लड़कियां सबसे आगे हैं। इस परीक्षा में 95.44% लड़कियों ने झंडे गाड़े हैं, वहीं 91.60% लड़के पास हुए। इस साल एक भी डमी केस नहीं मिला है। तो फिलहाल के लिए सबसे बड़ा अपडेट है जहां पर महाराष्ट्र के 12th बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। दिए गए वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देखें और लड़कियां सबसे आगे हैं या लड़के, इन सब का डेटा हमने आपको दे दिया है। कुल परसेंटेज क्या रहा है, महाराष्ट्र की किस यूनिवर्सिटीज में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज रहा है, ये सब जानने के लिए एक खबर देखें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए एबीपी लाइव।